छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कुरुद के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को जान से मारने की धमकी मंगलवार देर रात किसी अज्ञात शख्स ने फोन कॉल पर दी है। अजय चंद्राकर को मिली इस धमकी को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में दिए एक बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अजय चंद्राकर ने सदन में जमकर विपक्ष पर हमला करते हुए सदन में कहा था कि कांग्रेस विकलांग मानसिकता वाली पार्टी है। इस बयान के बाद अब अजय चंद्राकर को धमकी मिली है। वहीं बुधवार को विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने इस मसले को शून्यकाल के दौरान सदन में उठाया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ और सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात अजय चंद्राकर को एक कॉल आया, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी फोन पर दी थी, साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया था। कहा जा रहा है कि पूरा मामला रेत खनन से जुड़ा हुआ है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे को इस मामले के जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सदन में जानकारी दी है कि दुर्ग निवासी जसपाल सिंह रंधावा नामक व्यक्ति ने अजय चंद्राकर को धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। कॉल की पूर्ण जानकारी लेकर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात गृह मंत्री ने कही। माननीय अजय चंद्राकर जी को धमकी दिए जाने के विषय में चर्चा प्रारंभ किया गया। कल रात में माननीय अजय चंद्राकर जी ने मुझे भी फ़ोन किया, डीजी को भी फ़ोन किया, माननीय अध्यक्ष विधानसभा को भी फ़ोन करके जानकारी दी कि कोई व्यक्ति है जो फ़ोन नंबर उसने टेप लिख लिया है और बार बार फ़ोन करता है, गाली गलौज कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है। तत्काल मैंने डीजी को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि अधिकारी लगाइए क्राइम को, इंटेलिजेंस को, और तत्काल उसको पकड़ने कार्यवाही करें और इधर माननीय अजय चंद्राकर जी के सुरक्षा की और अतिरिक्त व्यवस्था करें। तत्काल उनको सुरक्षा मुहैया करा दिया गया था अतिरिक्त पीएसओ, इसलिए डीजी को निर्देश दिया गया है कि फ़ोन में सुन लें कि वो क्या क्या बात कहा है और उसके अनुसार कार्यवाही करें। उनने अपने वक्तव्य में कहा है कि वो कुरुद क्षेत्र के आसपास कहीं रेत खदान का काम करता है और कुछ लोगों ने उनसे विवाद हुआ है। गांव वालों ने नंबर दिया है कि अजय चंद्राकर जी के पीए का है, उनसे बात करें, तो उस नंबर पे उनने बात किया, ये बात सामने आई है थाने में जो उन्होंने बयान दिया है। पर अब उसको कॉल डिटेल निकाल करके फिर उसके बाद क्या धारा लगाया जा सकता है, क्या कार्यवाही की जा सकती है, करेंगे। सदन में शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक को जान से मारने की धमकी को लेकर काफी हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सदन में कहा कि यदि सदन में विधायक सवाल न उठाए तो जाए कहां। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजनाथ गांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि यह मामला काफी संगीन है। रमन ने कहा कि वर्तमान सरकार के राज में भू माफियों का बोलबाला है। रेत माफिया एक विधायक को धमकी दे रहा है लेकिन सरकार उस पर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। आज महत्वपूर्ण विषय अजय चंद्राकर जी हमारे वरिष्ठ साथी जिनको कल रात में धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी और एक प्रकार से रेत माफिया का गुंडागर्दी और आतंक कितना फैल रहा है, अधिकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, नागरिकों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार पूरा छत्तीसगढ़ रेत माफिया के चंगुल में आ रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हत्याओं का दौर चलेगा, इसका एक उदाहरण है कि मंत्री को रात को गाली गलौज किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, मंत्री का जवाब देते हैं कि रेत का धंधा करने वाले लोगों ने काम किया। तो यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को इस प्रकार षड्यंत्र करके दबाया जाएगा तो ये अनुचित है और इसके लिए आज विधानसभा में हम लोगों ने, सभी सदस्यों ने काफी गंभीरता से इस विषय को उठाया। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और पकड़े गए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष इस मामले को किस ओर ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।